हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ सब मिलता है। फिर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान साइंस का पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जाँच की जाती है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संकेत देती है? वर्षा होने की संभावना। समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। पारे का मान कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल तैरता है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोल होती है, या साबुन के बुलबुले। दाब किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से। दाब किस प्रकार की राशि है? तो आदेश। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो गैस में। किस तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वैश्विक संकेतों के लिए पराश्रय तरंगों का। घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति होती है? तो सरल आवर्त गति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 322 मीटर पर सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो सेकेंड के 1/10 भाग तक। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।